ठीक है, बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड विजिबल है? ठीक है, ठीक है, चलिए इसका आई चेक नेम बताइए। बाकी लोगों का आंसर रूल रेगुलेशंस आप निकाल के अपने कॉपी में जो आपने लिखा है नोट्स में वो निकाल के सामने रखिए सबको, उसके बाद बनाइए। दोनों का आंसर गलत है।
जांच गलत है, दोनों का गलत है। खुशबू, आप क्या लिखे हो आपको पता है क्या? सिंपल से नेम को इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखे हो। बेचारा ये कंपाउंड ना, ये भी पता नहीं क्या सोच रहा होगा। आर एच एस क्या है? है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किसका है? रूपम, आरएचएस क्या है? सेकंड एटम बैलेंस नहीं है मतलब। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ, सबको ध्यान से देखिए। आपको चाहिए लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो जाना चाहिए, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने क्या कहा था कि फंक्शनल ग्रुप जो जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको मिनिमम नंबर देना होगा उस फंक्शनल ग्रुप को। तो ये इस कार्बन पे है तो मैं नंबरिंग यहाँ से चालू करूँगा, ठीक है? पहला नंबर इस कार्बन को पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन बना के लेना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है? आप सबने क्या किया, यहाँ पे 5 ले लिया। तो हमारा ये पेंटेन का कार्बन बन जाएगा। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट चेन हम लेते हैं तो हमको यहाँ पे हेक्सेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा गलत है। पेंटेन जिनका है गलत है, ठीक है? तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया? हेक्सेन का। अब आपको लोकेंट्स बताना है, मतलब ब्रांच बताना है, ठीक है? जिसे टहनिया कहते हैं हम लोग। तो हम चले आते हैं उस पे। देखो सेकेंड कार्बन पे हमारे पास इथाइल का ग्रुप है। जी हाँ, ठीक है प्रियांशु। अभी रूल्स जो भी आपको दिखाए हैं वो रूल्स अभी आप अपने पास खोल के रखिए कॉपी का, ठीक है? जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ रूल्स को पढ़िए और तब बनाइए। रूल्स ऐसे रट के याद नहीं होगा कभी, ठीक है? आप 10 बार बनाओगे ना अपने आप आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास इथाइल का ग्रुप है, ETH, ठीक है? कोई नहीं, मिस्टेक करेंगे तभी तो सीखेंगे हम लोग, ठीक है? ये मेरे पास मिथाइल का ग्रुप है, ठीक है? अभी देखो दो ब्रांचिंग है, दोनों सेम टाइप के ब्रांचिंग है। मैंने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है और ये एम से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ई को लिखेंगे, ठीक है? सेकंड कार्बन पे इथाइल, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड पे इथाइल। उसके बाद 4 पे मिथाइल, ठीक है? अब आप इसे हेक्सानॉल लिख सकते हैं, ठीक है? इसे आप हेक्सानॉल लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका भी है लिखने का। एक तो आप ये लिख सकते हैं, दूसरा क्या तरीका है, तो इसके जगह पे X1 ऑल, ठीक है? दोनों सही है। चलिए सेकेंड नंबर बनाइए। इसी हिसाब से आपको सेकेंड नंबर में पहले आप पूरा इसको इस स्ट्रक्चर को पूरे ढंग से लिखिए, ठीक
ठीक है, मतलब ओपन कीजिए, बॉन्ड दिखाइए जैसा पहला स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और उसके बाद नेमिंग कीजिए। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आपका CHO है, में क्या इसको पहले ओपन कीजिए पूरा, ठीक है। आप ओपन करोगे तो आपको इस पर एक और फंक्शन ग्रुप दिख जाएगा, और वो फंक्शन ग्रुप आपको इस जगह पे दिखेगा। इसको पूरा ओपन कीजिए पहले। बना सेकंड फाइव मिथाइल हेक्स वन अल रूपम। मैंने अभी कहा ना, यहाँ पे देखो CH और CH इसके बीच में आपको एक और फंक्शन ग्रुप दिखेगा। चलो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद नेमिंग कीजिए। देखिए ओपन करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखेगा। अब हमारा काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन में देखिए इस जगह पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, ठीक है।
मैंने कहा था जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आएगा तो हमारी जो नंबरिंग है वो वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है? तो नंबरिंग कहाँ से चालू होगा? यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। तो सबसे पहले लोकेंट आता है, मतलब सबसे पहले ब्रांच आएंगे, फोर मिथाइल थ्री इन वन ऑल। हाँ खुशबू आपका देखो ये छूट गया, ठीक है? और ये फोर भी नहीं, फाइव आएगा क्योंकि हम नंबरिंग यहाँ से चालू कर रहे हैं, यहाँ से वन है, पांचवे कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है? तो जो नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगा, 5-methyl, इसके बाद हेप्ट, देन 3-N, ठीक है? देखो मैंने सब कैपिटल्स में लिख दिया, ठीक है? कैप्स लॉक मेरा ऑन है मेरे ख्याल से, तो आप स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है? ये इसका नाम होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर बनाइए। थर्ड नंबर सिंपल है, फोर्थ नंबर भी मैंने सिंपल दिया है। थ्री मिथाइल ब्यूट 1-9, ठीक है? थ्री मिथाइल ब्यूट 1-9, ठीक है? दोनों का ठीक है, अश्विनी का भी, प्रियांशु का भी। बाकी लोग जो चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कृपया करके आप भी लिखिए, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है? दो तीन लोग को ही सिर्फ नहीं बता रहे, ठीक है? खुशबू फोर्थ नंबर बनाइए। टू थ्री डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है? टू थ्री डाई मिथाइल होगा अश्विनी, ठीक है? पीयूष क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए।
ठीक है, रुको। बना फिफ्थ क्वेश्चन। मिथाइल फोर मिथाइल गलत है, ये भी गलत है, दोनों का गलत है। स्ट्रेट चेन को ढंग से देखिए। देखो आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सबको बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। खुशबू थ्री थाइल फोर मिथाइल, उसके बाद हाँ ये क्या लिखे है? यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे आपने आगे गलत किया, यहाँ तक ठीक है आपका, यहाँ तक आप ठीक, इसके बाद का आप ठीक करो। ये उसका ठीक है। रूपम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज कीजिए। रूपम हाँ सुनिए, पेंट होगा। रूपम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए इसको, बाकी सब ठीक है। प्रियांशु आंसर चेक करो, गलत है आपका। थ्री थाइल फोर मिथाइल पेंट टू वन, ठीक है। खुशबू अश्विनी, अश्विनी सिर्फ पेंट लिखे हो, बाकी आंसर अश्विनी क्लास चल रहा है, ठीक है। अगर आप एक बार गलत लिखते हैं दोबारा उसको अच्छे से लिखिए। अगर मैं एक बार गलत बोल रहा हूँ तो उसको आप दोबारा ठीक से लिखो।
आंसर ठीक से लिखिए, 3-थाइल-4-मिथाइल। हाँ सुनिए ठीक है, अभी प्रियांशु का आंसर ठीक लग गया, बोला था आपको ठीक है। प्रियांशु तुम्हारा पहले ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन ठीक है खुशबू। ठीक है देख, सॉरी पीयूष आंसर गलत है, रुपम खुशबू दोनों का ठीक है। अश्विनी YN BBB के लिए लगता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड के लिए EN लगता है, इन। OCH3 क्या है? OCH3 अगर इस ग्रुप का पर्टिकुलरली देखें, अगर इस ग्रुप को मैं पर्टिकुलरली देखूं तो ये ग्रुप ऐसा नहीं दिखता, COC, तो इसमें से अगर कार्बन में निकाल दूं तो ये फंक्शन ग्रुप ऐसा नहीं हो जाएगा? प्रो 3-ओइक एसिड, नंदनी गलत है। सबसे पहली बात तो ये कार्बोजिलिक एसिड नहीं है, ठीक है, आप इसमें ओइक एसिड लगा रहे हैं, ये ऑक्सी के लिए आता है, मैंने आपको ऑक्सी वाला भी करवाया है पहले, ये ऑक्सी के लिए आता है, सॉरी इसके लिए ऑक्सी आता है। सिक्स का, सिक्स या सेवन प्रियांशु? सिक्स, चलो ठीक। देखो ये जो ग्रुप है ये मेरा कार्बोजिलिक एसिड का ग्रुप है, तो एक फंक्शन ग्रुप ये हो गया, उसके बाद मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये दूसरा फंक्शन ग्रुप है, ठीक, क्योंकि फंक्शन ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हुआ तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, चार कार्बन है तो इसके लिए जो नाम आ जाएगा वो हो जाएगा ब्यूट, उसके बाद
सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो सेकंड कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया, और उसके बाद पहला कार्बन पे मेरा ओएच एसिड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बना, इस सॉरी 7 बनाइए। मैं 7 का नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप नाम बताइए सिर्फ, ठीक है। 1, 2, 3, 4। चलिए मैंने आपके लिए इतना हल्का कर दिया, आप इसका नाम बताइए। ये भी बता दे रहा हूं, इसमें हम लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन, हिंट यहां तक ये भी कर दे रहा हूं। चलो इसको लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन, रूपम, खुशबू गलत है, इसके बाद रूपम आपका भी गलत है, इतना कॉम्प्लिकेट नाम, बाप रे, वो भी आपने क्या लगा दिया, कहाँ गया ऑक्सी, कैसे आएगा, मैंने आपको क्या दिया, देखो मैंने आपको हिंट भी दे रखा है, अल्क ऑक्सी अल्केन आपको शो करना है, ठीक है। हे भगवान, देखो यहाँ पे अभी कोई कुछ मत लिखिए, सुन लीजिए, ये जो अल्केन है, मैंने आपको जो नेमिंग आपको बताया था, अगर किसी को याद नहीं तो आप अल्कोक्सी अल्केन का वीडियो चेक कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था अल्केन जो है वो पेरेंट चेन के लिए आता है, मतलब स्ट्रेट चेन के लिए, और जो अल्कोक्सी आएगा वो माइनर चेन के लिए आएगा, मतलब ब्रांच के लिए चला आएगा। अब देखो यहाँ पे अल्क ऑक्सी, ठीक है, अल्क किसको कहेंगे, इस जगह पे हम अल्क कहेंगे इसको, CH3 को, ठीक है। तो इसको मैं देखो लिख दे रहा हूं इधर, CH3 मेरा अल्कोक्सी है, सॉरी अल्क में आएगा, और जो ये है ये मेरा चलाएगा ब्यूट में, ठीक है। तो CH3 कहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सेकंड कार्बन के ऊपर, तो हम इसका नाम क्या देंगे, 2 CH3 के लिए मिथ आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ये अल्क वाला शब्द यहाँ पे जोड़ दिया, और अल्क का पोजीशन भी हमने बता दिया 2 कार्बन पे। उसके बाद हम लगाएंगे ऑक्सी वर्ड, तो 2-मिथ-ऑक्सी, ठीक है, 2-मिथ-ऑक्सी हो गया। अब हमें बताना है डबल बॉन्ड का पोजीशन और पूरे कार्बन चेन का नाम, तो 2-मिथ-ऑक्सी ब्यूट, 2-ene, ये आपका पूरा नाम हो गया। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये अल्क ऑक्सी अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अल्क हमने दिखा दिया, ऑक्सी भी हमने दिखा दिया, और हमने अल्केन भी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो कौन सा अल्केन है, यहाँ पे अल्केन नहीं, यहाँ पे अल्कीन है एक्चुअल में, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये अल्क ऑक्सी अल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्क ऑक्सी अल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। सर हाँ बोलो सर, इसमें BR ना होगा वो, जहाँ लास्ट ये 8 वाला क्या, हाँ BR होगा, यस सर, ठीक है चलो।
अभी बनाओ। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है वो ये है, ये पूरा ठीक है। आपको एक फंक्शन ग्रुप बताए थे एसिड क्लोराइड का, COCl, तो यहाँ पे Cl का जगह Br दिया है, तो ये एसिड ब्रोमाइड हो जाएगा ठीक है। फंक्शन ग्रुप का नाम बदल जाएगा एसिड ब्रोमाइड ठीक। आप जो नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, 1, 2, 3 और 4। चलिए अब बनाइए। नहीं अश्विनी, कीटोन का ग्रुप नहीं है ये। कीटोन में देखिए, कीटोन में सिर्फ इतना ही हिस्सा होता है ये वाला ठीक है। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि पूरा फंक्शनल ग्रुप ये वाला है जिसको रेड से कवर किया है मैंने। आपके पास देखो ब्रांचिंग यहाँ पे है। नहीं प्रियांशु, एसिड क्लोराइड की जगह एसिड ब्रोमाइड आपको दिया गया है ठीक है। देखो मैं नेम लिख रहा हूँ, 3-methyl